वाड़ी में पेंशनर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय उपचार रुग्णालय को भेंट दी। वाड़ी सहन नागपुर में केंद्रीय पेंशनर्स की सबसे बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने अपने स्थापना दिवस पर विशेष सामाजिक दायित्व का निर्वाह कर एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। वाड़ी परिसर में इसी पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रयासों से गुरुप्रसाद नगर में सेवानिवृत्ति पेंशनर्स के लिए हाल ही में CGHS योजना का उपचार केंद्र प्रारंभ किया गया। वाड़ी डिफेंस आठवा मेल लावा दाभा आदि क्षेत्र में 2000 से अधिक पेंशनर्स अब इसका लाभ ले रहे हैं, परंतु इस उपचार केंद्र में तकनीकी मंजूरी के कारण मरीजों के लिए अनेक वैद्यकीय जांच सामग्री की कमी से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या को देखते हुए इस एसोसिएशन ने अपना स्थापना दिवस का कार्यक्रम नहीं मनाने का निर्णय लिया था तथा इससे बचत हुए निधि से इस अस्पताल को वैद्यकीय जांच सामग्री भेंट देने का निश्चय किया गया। शुक्रवार को सुबह गुरुप्रसाद नगर स्थित उपचार केंद्र के समक्ष एक विशेष कार्यक्रम में CGHS नागपुर मुख्यालय की अतिरिक्त संचालक डॉक्टर लीला पेंदाम, प्रशासकीय वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर पीडी वर्मा, वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर फारूक, डॉक्टर एपी जायसवाल को एसोसिएशन के पदाधिकारी पीके मोहनन, जेपी शर्मा, एस घुटके, जेएम पराते, प्रहलाद लाड़े, एच मेश्राम, के एम तुपकर, आरटी कोड़ापे ने वैद्यकीय जांच सामग्री, ECG मशीन, वजन मशीन, डिजिटल बीपी मॉनिटर, डिजिटल थर्मोमीटर, प्लस काउंटर, वाटर कूलर इन अधिकारियों को प्रदान किया है। इस अवसर पर वाड़ी नगर परिषद के नगर सेवक नरेंद्र मेंढी, हर्षल काकड़े, कल्पना सकदेव, प्राध्यापक सुभाष खाकसे, मुदलियार प्रमुखता से उपस्थित थे। अतिथि डॉक्टर पेंदाम व वर्मा ने इन सामाजिक सहकारी के लिए आभार व्यक्त कर इसका लाभ वाड़ी क्षेत्र के पेंशनर्स को मिलने का मनोगत व्यक्त किया। इसी कार्यक्रम में इस पेंशनर्स एसोसिएशन ने अंतिम संस्कार हेतु उपयोगी पड़ने वाली स्टील की सीढ़ी धम्मकीर्ति नगर बुद्ध विहार के प्रमुख भदंत महापंत को भेंट स्वरूप प्रदान की। कार्यक्रम का संचालन जेपी शर्मा व आभार पीके मोहनन ने व्यक्त किया। बड़ी संख्या में पेंशनर्स व रुग्ण भी कार्यक्रम में सहभागी हुए। NBC न्यूज के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ। CGHS डायरेक्टरेट और ADCGHS का पूरा कोऑपरेशन हमको मिलते रहा है। अभी पूर्वी आपको मालूम है गवर्नमेंट का तरफ से कई चीज होने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, जो गवर्नमेंट का प्रोसीजर रहता है, प्रोसीजर से गवर्नमेंट को जाना पड़ता है। इसके लिए हमारा कुछ पेशेंट लोगों का तकलीफ को दूर करने के लिए हर साल में 7 फरवरी को हमारा फाउंडेशन डे रहता है। आज 7 तारीख है हमारा फाउंडेशन डे। फाउंडेशन में हम लोग हर साल में कुछ प्रोग्राम करता है। पिछले साल में हम लोग ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम बुला करके बहुत बड़ा प्रोग्राम कर, इस साल में हमारा कुछ पैसा कौन हमारा 17 तारीख को उसमें करते हैं कुछ पैसा बचा। इस पैसे से हम लोग इस चलते हमें सोचा कि डिस्पेंसरी के लिए क्या क्या चाहिए वो लेकर देंगे। इसके लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। हम लोग तो लिख नहीं रहे हैं क्योंकि हमको खुद नागपुर में शॉर्टेज जाती है, यहाँ एक डॉक्टर एक फार्मासिस्ट के कारण। तो जब तक पूरी फुल पेज डिस्पेंसरी और पूरा स्टाफ, इसके लिए दो अलग से डॉक्टर, दो फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, ये सेंक्शन नहीं होता तब तक ऐसी प्रॉब्लम चलती रहेगी। एक्सटेंशन डिस्पेंसरी की लिमिट्स रहती है और ये सब सरकारी कागजों में सरकारी कामों में जो समय लगता है वो लगेगा, लेकिन आप लिखते रहे तो होगा, हम भी लिखेंगे। तो बाकी सब आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब चीज़ें दी है डॉक्टर जयपाल की जिम्मेदारी है कि वो ये करें। अभी बिना स्टाफ के जितना स्टाफ है उसमें चल रहा है और वैसा ही आप लोग कोऑपरेट करते रहे, सहयोग देते रहे। धन्यवाद। अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।